अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टिचिंग विद आमना। आज मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग एक शेयर करूंगी। मैंने इस तरह से 16 इंच पट्टी ली है चौड़ी और 2 इंच चौड़ाई में, और लंबाई 16 इंच लेके इस तरह यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में गले की क्रीज लाइन के ऊपर इसको जो है वो प्रेस कर लूँगी। उसके बाद फ्रंट साइड पर सीधा करने के बाद बिल्कुल दरमियान में ये जो ऑरेंज लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ से मैं कट करूँगी, गले को उल्टा करूँगी और इधर एक हल्का सा कट लगाऊँगी और एक हल्का सा कट इधर वाली साइड पर, और फिर मैं इसको ग्लू की मदद से यहाँ से फिर ये वाला दरमियान वाला पार्ट उठाकर इस तरह से प्रेस कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने पट्टी ली है 3.5 इंच चौड़ाई में और इसको मैं कागज़ के ऊपर इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींच रही हूँ और बना रही हूँ और उसके ऊपर इस तरह से मैं स्टिचिंग कर लूँगी। ठीक है, ये इस तरह से मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा ज़्यादा हैवी गला ना हो और लाइट लाइट भी रहे गर्मियों में, और बुकरम से गला जो है वो ज़्यादा बुकरम से गला जो है वो हैवी हैवी सा हो जाता है और फिर वो पसंद नहीं करती लेडीज़। और ये पट्टी को फिर मैं कागज़ उतार लूँगी नीचे की तरफ से और यहाँ पर दरमियान से मैंने कटिंग कर ली है, ये देखें इस तरह से। इस पट्टी को मैं सीधा करके गले के दरमियान से जहाँ से कट की थी वहाँ पर एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए मैं इसको ले जाऊँगी, और ये तब तक आपने सिलाई वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमने ये कट लगाया था, ये देखना अभी यहाँ तक, और फिर हम इसको बैक पे भी स्टिच करेंगे। और इस तरह से पट्टी को दूसरी तरफ भी रखने के बाद हम जो है वो स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखें, फिर इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेंगे। ये फोल्ड करने का तरीका देख लें, बिल्कुल अच्छे से मैं जो है वो शो कर रही हूँ कि किस तरह से आपने फोल्ड करना है। बिल्कुल भी कोई झोल नहीं आएगा आपका, बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग होगी आपकी। दूसरी तरफ से गले को इस तरह से, ये देखें, फैब्रिक को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे हम। सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, मैंने एक गला लिया है, ये देख लें आप इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। गोल गला कट किया है मैंने, दरमियान से इस तरह से कट कर लेंगे, फैब्रिक के ऊपर चिपकाना है, यहाँ से इतना फैब्रिक छोड़ना है। ठीक है, फिर मैं आपको गले के ऊपर चिपकाने के बाद यहाँ पर ये जो लाइन लगाई है एक्स्ट्रा कपड़े की, ये पट्टी के उधर वाली साइड पर जाना चाहिए, ये देखें यहाँ पर नज़र आएगा आपको, इतना फैब्रिक आपने बाहर रखना है। दूसरी तरफ भी रख कर गले को हम इसी तरह से, ये देखें, सिलाई लगा लेंगे और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करेंगे, कट लगा लेंगे छोटे छोटे ताकि फिनिशिंग आए। अंदर की तरफ मोड़ने के बाद यहाँ पर हम जो है वो सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया है और वो यहाँ पर रखकर पट्टी अटैच कर लेंगे और गले